Good morning, everyone. Today we are going to study new topic that is proposition. What are the propositions let's uh, let's see a proposition is a word that tells us where something or someone is in a sentence. What is the meaning of something or someone here? Something or someone means is noun. noun means name of a person, place, animal, or thing. as you know, all these things are called. नाउन ओके एंड द सेकेंड वन थिंग इज प्रोनाउन वर द प्रोनाउन्स प्रोनाउन्स आर ही शी इट दे एंड एक्सेट्रा दर्ड्स विच कैन बी रिप्लेस नाउन इन चारों वर्ड्स की जगह पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन देन वॉट वी वॉन्ट टू सेट दर्ड्स दर्ड्स विच टेल अबाउट द पोजिशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इन अंटेंस आर कॉल्ड प्रिपोजिशन we can understand it by the some examples first example is your shoes are under the bed okay then first of all we have to uh, see we have to search then what is the noun here there is a noun shoes and second is bed okay so uh, shoes shoes we want to know we have to see then what is the position of shoes in the सेंटेंस इस सेंटेंस के अंदर शूज की पोजीशन क्या है शूज कहाँ रखे हैं वेयर वेयर क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है देन वेयर अंडर द वेयर अंडर इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रिपोजिशन ओके द एलिफेंट बार्ड इन द लेक देन वेयर एलिफेंट बार्ड कहा आ रहा है इन द लेक इन द लेक लेक इज अनाउन देन वी विल नॉट सी इट देन दर्ड इज इन तो पोजिशन कहा अंदर एलिफेंट कहा है लेक के अंदर शूजेज कहा है बेड के नीचे अंडर देन दीज वर्ड जेक एंड रोल डाउन द हिल कहाँ रोल डाउन कर रहे है कहा रोल कर रहे है डाउन द हिल हिल के नीचे देन डाउन इज अ प्रोजिशन द बकेट कम्स रोलिंग आफ्टर दफ्टर पीछे तो बकेट रोलिंग करते हुए कहाँ आ रही है उनके Then these words which are underlined here are called preposition. Okay? There are some more examples of preposition are in, on, at, to, between, up, above, near, behind, above, under are some preposition. A preposition is usually placed before a noun or pronoun. You have to keep in mind there are also another uh, noun, the bed, the lake, the hill. प्रोनाउन ओके तो इन नाउन से पहले कहाँ आ रहा है इन नाउन से यूजअली पहले ही प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है नाउन और प्रोनाउन से जस्ट पहले ओके स्टूडेंट देर आर मेनी एग्जाम्पल्स एंड देर मीनिंग आर ऑल्सो डिफरेंट यू कैन अंडरस्टेंड बाई द एग्जाम्पल्स बाई द एक्सरसाइजेस विच आर गिवन इन यूर बुक फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न द डेफिनेशन एंड दीज एग्जाम्पल्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रिपोजिशन In the, uh, write down all this work which I have mentioned here in your notebook. After that I will send one 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 more video to explaining the some proposition in your exercises through your exercises from your book. Okay. तो बुक में जो एक्सरसाइज दी गई हैं उनको करते हुए उनमें जिन जिन प्रपोजिशन का यूज होगा अलग अलग उनी प्रपोजिशन को समझते हुए हम प्रपोजिशन को आगे बढ़ाएंगे. First of all learn the definition and note down all this work in your notebook. Okay.